हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिस्काउंट निकालना, मतलब छूट कैसे निकालें। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम दुकान जाते हैं या शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ चीज़ों का एक प्राइस होता है और उसमें डिस्काउंट भी होता है। तो इस सिचुएशन में डिस्काउंट को काट के हमें कितना पे करना है, उस सामान को खरीदने के लिए हमें कितनी छूट मिल रही है, वो फाइंड करने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम समझेंगे कि डिस्काउंट कैसे निकालें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। माना एक जींस का मूल्य 2600 रुपये है और उसका डिस्काउंट 30% है। तो डिस्काउंट निकालना है हमें 30%। तो दोस्तों जींस का मूल्य 2600 रुपये है, पहले हम 2600 रुपये का 30% डिस्काउंट निकालेंगे। उसके बाद जो डिस्काउंट निकलेगा उसको 2600 में से लेस करके जींस का मूल्य निकल जाएगा, मतलब छूट वाला मूल्य निकल जाएगा। पहले हम जींस का मूल्य का मतलब 2600 रुपये का डिस्काउंट निकालेंगे 30%। एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ पे एक और जीरो है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बराबर 260 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 780। फिर ये हमारा डिस्काउंट निकल जाता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा जींस का मूल्य था 2600 रुपये और ये जो डिस्काउंट है 2600 रुपये और डिस्काउंट 780 रुपये, लेस करके दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1820 रुपये। यानी जो हमारे जींस थी 2600 रुपये, उसका डिस्काउंट हमें मिल रहा था 780 रुपये। तो जींस का हमें अमाउंट पड़ा टोटल 1820 रुपये। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, डिस्काउंट निकालना आपको आ गया होगा। समझ में आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं वो आपको पता चल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू दोस्तों।